सदर अस्पताल के बंद शौचालय में एक अधेड़ गिर जाता है। जब सूचना सिविल सर्जन को मिलती है तो बोलते हैं पोस्टमार्टम कराओ। पुलिस भी आ जाती है और जब ले जाने के लिए स्ट्रेचर लाया जाता है तो अधेड़ व्यक्ति नशे से बाहर आ जाता है और होश में आकर खुद को जिंदा बताता है। कहता, भैया हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, हमको पोस्टमार्टम में मत ले जाओ। मामला बिहार शरीफ का है। पूरा मामला विस्तार से जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। पहले आपको अपना परिचय बता दूं। नमस्कार, मेरा नाम अंकित भारद्वाज है और आप द पब्लिक पॉइंट्स देख रहे हैं। मामला सोमवार का है। सोमवार को सदर अस्पताल में सिविल सर्जन की लापरवाही से एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग पर, स्वास्थ्य सेवा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया है। दरअसल मामला यह है कि सदर अस्पताल में प्रथम तल्ले पर, मतलब पहला तल्ला पर शौचालय का दरवाजा अंदर से बंद रहता है। सफाईकर्मी सफाई करने के लिए जब जाता है तो दरवाजा अंदर से बंद रहता है। सफाईकर्मी रेलिंग पर चढ़ करके अंदर झांकता है और देखता है तो एक अंदर में एक व्यक्ति अधेड़ अवस्था में पड़ा हुआ रहता है, मतलब बेहोशी की हालत में उसको दिखाई देता है। शौचालय में सब पड़ा हुआ है ऐसा कह करके पूरे अस्पताल में वो हल्ला कर देता है, मतलब पूरे अस्पताल के लोग जान जाते हैं कि उस बंद शौचालय के अंदर एक मृत व्यक्ति पड़ा हुआ है। उसके बाद सीएस समेत अन्य कर्मी वहां पहुंच जाते हैं और प्रशासन को भी, पुलिस कर्मी को भी बुला लिया जाता है। पुलिस दरवाजा तोड़ करके शरीर को जब बाहर निकालती है तो उसका बिना नब्ज जांच किए, मतलब बिना उसका नब्ज चेक किए मृत घोषित कर दिया जाता है। मतलब वो अब उस व्यक्ति को बिना किसी जांच के, बिना किसी टेस्ट के मृत घोषित कर दिया जाता है। मतलब कह दिया जाता है कि अब ये मर चुका है, इसको अब पोस्टमार्टम के लिए ले जाना है, ऐसा सिविल सर्जन आदेश दे देता है। मतलब अपने अधिकारियों को, जो अस्पताल के कर्मचारी होते हैं, उनको कहा जाता है कि अब जाओ इसका पोस्टमार्टम कर दो। प्रशासन वहाँ पे मौजूद रहते हैं, प्रशासन के मौजूदगी में पोस्टमार्टम के लिए ले जाने को तैयारी किया जाता है। पोस्टमार्टम में ले जाने के लिए एक कर्मी स्ट्रेचर भी ले आता है। जब स्ट्रेचर लेकर के आता है तो वह व्यक्ति जब स्ट्रेचर पर उसको रखने की तैयारी शुरू होती है, जब उसको उस पर लिटा करके पोस्टमार्टम के ले जाने के लिए जब तैयारी शुरू होती है तो अधेड़ व्यक्ति होश में आकर के बैठ जाता है और कहता है, भैया हम जिंदा हैं, हम मरे नहीं हैं, हम अभी तक जिंदा हैं। बाद में पता चलता है कि वह व्यक्ति मृत नहीं है, ना ही कुछ उसको हुआ है। वह नशे की हालत में बेहोश पड़ा हुआ था। अधिक नशा करने के कारण वह अस्पताल के शौचालय में बेहोश हो गया था। जब पता लगता है कि व्यक्ति नशे में था तो पुलिस प्रशासन उसको जेल लेकर के चले जाती है, मतलब थाने में उसको लेकर के चला जाता है। मामला नशे के का था, नशा बिहार में बंद है, इसके कारण से उसको थाने में लेकर के चला जाया जाता। लेकिन हमारे बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था पर यह पूरा एक प्रश्न चिन्ह खड़ा करके चला जाता है। क्या कोई कर्मी को इतना समय नहीं मिलता है कि कोई उस व्यक्ति का, उस नशे में जो बेहोश व्यक्ति था उसका नब्ज जांच करके उसको पोस्टमार्टम के लिए नहीं ले जाया जाता, उसका इलाज कराया जाता? चूंकि हमारे बिहार का अधिकतर सदर अस्पताल का यही मामला रहता है। अभी बेगूसराय सदर अस्पताल का भी मामला हम आपको बताते हैं कि वहाँ पर भी कोई मरीज कैसे रह रहा है, नहीं रह रहा, उसको भी देखने वाला कोई नहीं होता है। और यह पूरा मामला बिहार शरीफ का सदर अस्पताल का है। तो पूरे बिहार में ऐसे ऐसे कई एक सदर अस्पताल है जिसमें कई एक अस्पताल के अधिकारी होते हैं, कर्मचारी होते हैं, उनकी लापरवाही का वीडियोज भी वायरल होता रहता है, लेकिन उसके बावजूद कोई समझने का नाम नहीं लेता। अगर यही मामला, अगर वो व्यक्ति होश में नहीं आता तो क्या उसका पोस्टमार्टम कर दिया जाता? क्या उस व्यक्ति को मृत घोषित करके इसी तरह उसको बाहर फेंक दिया जाता? इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आपकी जो भी राय होगी, विचार हमारे साथ जरूर साझा करिएगा।